Hello everyone, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. हमने अपने previous video lecture में relational algebra के selection और projection operator की बात की थी. इस video lecture में हम discuss करेंगे relational algebra के set based operator and Cartesian product operator के बारे में. So in this video lecture we are going to discuss in detail set based operator in relational algebra and Cartesian product in relational algebra. So if we talk about set based operators, union, intersection and set difference, these all are set based operators. इनका use हम अपनी algebraic relational algebraic queries में किस तरह से कर सकते हैं तो हम इसका use देखेंगे. So consider the given schema. Let's say हमको ये एक schema given है, branch, account, depositor, customer, loan and borrower. ये हमारे पास 6 tables हैं. इन टेबल्स के बेसिस पर आपसे कुछ रिलेशनल अलजेब्रा में क्वेरी पूछी हुई है और आपको उनका रिजल्ट बताना है, राइट? यूजिंग दीज ऑपरेटर्स हमें पता है यूनियन इज दिस वन. यूनियन ऑपरेटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं जो कि दो सेट्स का सेट थ्योरी पर ही बेस्ड है, क्योंकि सेट थ्योरी पे जिस तरह से यूनियन कैलकुलेट करते हैं सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम टेबल्स के फॉर्म में. नाउ इंटरसेक्शन दो टेबल्स का कंबाइन या कुछ कॉमन चीज फाइंड आउट करता है, और सेट डिफरेंस माइनस वाला रिलेशन फाइंड आउट करता है, ए माइनस बी कैलकुलेट करना होता है तो, राइट? So, first query is given as find the name of customers who have loan or account or both, right? तो अगर हम इस स्कीमा को ऑब्जर्व करें, we are going to find that कि customer names find out करने हैं. अब हम पहले ही चेक करना होगा कि customers name किस किस में है, right? तो customer name हमारा ये present है, right? Customer name customer की table में present है और यहाँ पर present है, right? तो customer name basically हमारा यहाँ पर present है जो कि reference रिफर कर रहा है अकाउंट वाली टेबल को और कस्टमर वाली टेबल को. तो आपसे पूछा है नेम ऑफ कस्टमर्स हु हैव लोन और अकाउंट और बोथ. सो लोन की बात करें तो हमें लोन टेबल को रेफर करना पड़ेगा, एंड अकाउंट की बात हो रही है और तो हमें अकाउंट को रेफर करना पड़ेगा, राइट? बट क्योंकि अकाउंट में और लोन में कस्टमर्स के नेम नहीं है, राइट? कस्टमर्स नेम नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर हम फॉरेन की यूज कर रहे हैं इस वाली टेबल से, डिपॉजिटर. सो हम इस टेबल में अपनी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम किस टेबल का यूज करने वाले हैं? अकाउंट फाइंड आउट करने के लिए कस्टमर नेम आप डिपॉजिटर टेबल से लेंगे. सो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ हम किसका यूज करने वाले हैं. फर्स्ट तो आपकी डिपॉजिटर टेबल हो गई, एंड बाकी और लिया और दिया है यहाँ पर, तो और हमें पता है कि किस ऑपरेशन से हम और करते हैं, यूनियन से. देन लोन और अकाउंट और बोथ, तो हम अकाउंट लोन की बात करें, लोन टेबल में भी कस्टमर्स नेम नहीं है, तो लोन वाले कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? बोरोवर टेबल से आपको मिलेंगे, राइट? तो ये तो हमें पता चल गया कि हम बोरोवर और डिपॉजिटर टेबल पर वर्क करने वाले हैं, राइट? इसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ है. सो डिपॉजिटर एंड बोरोवर टेबल का यूज करने वाले हैं. सो अगर मैं यहाँ पर आपको शो करती हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या शो करना होगा, आई विल राइट टेबल नेम रेड से कि मैंने यूज की डिपॉजिटर, राइट? क्योंकि मेरा इनपुट क्या रहने वाला है, मुझे डिपॉजिटर टेबल से कस्टमर नेम चाहिए. नेक्स्ट इज मुझे क्या चाहिए, मुझे डिपॉजिटर टेबल से क्या चाहिए, कस्टमर्स के नेम. क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट कर रही हूँ तो हमें पता है कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हम प्रोजेक्शन यूज करते हैं. सो हियर आई विल राइट पाई एंड सफिक्स में क्या आ जाएगा आपका, जो आपका आएगा कस्टमर नेम, क्योंकि आपको कस्टमर नेम चाहिए, राइट? यू विल राइट हेयर कस्टमर एंड नेम, क्योंकि कस्टमर नेम आपका इस तरह से लिखा है CUSTNAME. सो यू विल राइट हियर कस्टमर नेम. नाउ अब इफ समवन आस्क यू टू कैलकुलेट, यहाँ पर और लगा हुआ है, अभी हमने क्या कहा है, सबने सिर्फ उन अकाउंट वाले कस्टमर्स का नेम लिया है, राइट? क्योंकि अकाउंट वाले कस्टमर्स का नेम हमें इस डिपॉजिटर टेबल से मिलने वाला है. नेक्स्ट आपको और लगा है और आपको लोन वाले कस्टमर्स का भी नेम चाहिए, सो यू विल यूज हेयर यूनियन ऑपरेटर, राइट? यूनियन अब हम किस टेबल का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें जो लोन वाले कस्टमर्स हैं वो किस टेबल से मिल रहे हैं, बोरोवर टेबल से. सो हियर वी विल यूज बोरोवर टेबल, एंड इस बोरोवर टेबल से हमें क्या चाहिए, कस्टमर नेम, क्योंकि हम पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पाई, राइट? एंड हम सफिक्स में क्या यूज करेंगे यहाँ पर, कस्टमर्स नेम, राइट? क्योंकि हमें क्या चाहिए, कस्टमर नेम. So I have written so this is how you can write the
क्वेरी, राइट। इस क्वेरी का रिजल्ट आपका इस तरह से आएगा, पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर, पाई कस्टमर नेम चाहिए फ्रॉम डिपॉजिटर, यूनियन और लगा है क्योंकि क्वेरी में, पाई कस्टमर नेम बोरोवर, बोरोवर से कस्टमर नेम चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एक और क्वेरी देख लेते हैं हम सेट बेस्ड ऑपरेशन के लिए, ये था यूनियन के लिए क्वेरी। एज आई कैन शो यू रिजल्ट हियर, आई हैव रिटन दिस द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेरी इन दिस वे, राइट। पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर यूनियन, पाई कस्टमर नेम बोरोवर। नाउ फॉर सेकेंड क्वेरी, in the second query you are given find the name of branch who have account but not loan, right। ab hame kya iska branch ka name batana hai jinke accounts hai but loan nahi hai, to hum ise kis tarah se aapko result de sakte hain। ab agar hum dekhe branch name kis kis table mein present hai, branch name aapka ek to account table mein present hai, right, to hum account wali table ka use karne wale hain, एंड आपको दिया है ब्रांच नेम लोन में प्रेजेंट है, राइट। तो हमें उन ब्रांच के नेम चाहिए जिनके पास अकाउंट है बट लोन नहीं है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करने वाले हैं, बट लोन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अकाउंट वाले में से लोन माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पर सेट डिफरेंस यूज करेंगे यानी कि माइनस। और हम क्वेरी किस तरह से लिख सकते हैं, आप सबसे पहले लीजिए अकाउंट, राइट। सो आई हैव रिटन अकाउंट टेबल का यूज, अकाउंट में से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कस्टमर्स का ब्रांच का नेम, राइट। सो हाउ आई विल राइट अकाउंट एंड पाई, क्योंकि पाई क्या करता है पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करता है, तो मैं यहाँ पाई यूज कर रही हूँ। और यहाँ पर सफिक्स में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ब्रांच नेम, सो आई विल राइट हियर पाई ब्रांच नेम, ब्रांच नेम, राइट, पाई ब्रांच नेम फ्रॉम अकाउंट, यानी कि ब्रांच नेम आप सेलेक्ट करोगे अकाउंट से, देन यू विल यूज माइनस। और हमें क्या करना है, जिनके पास लोन नहीं है हम उन्हें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हम कौन सी टेबल का यूज करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे लिए जो रिलेशन यूज हो रहा है दैट इज लोन, राइट। एंड क्या करेंगे, क्योंकि हमें कस्टमर्स का ब्रांच का नेम चाहिए, सो आई विल राइट पाई, पाई देन सफिक्स में क्या आ जाएगा आपका ब्रांच नेम, राइट। अब आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से यहाँ पर क्वेरी दे सकते हैं, क्वेरी का रिजल्ट किस तरह से हम अपने सेट बेस्ड ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस क्वेरी का रिजल्ट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, पाई ब्रांच नेम फ्रॉम अकाउंट माइनस पाई ब्रांच नेम फ्रॉम लोन, ये आपको प्रोवाइड करेगा उन ब्रांच के नेम्स जिनका की अकाउंट है बट उनका लोन नहीं है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। So I am showing you the result. I have written pi branch name from account minus pi branch name from loan. This is how you can write this query. Now similar third question is given. You are to ask find the name of customer who neither have a loan or an account. Na hi unke paas loan hai aur na hi account hai. राइट, तो इसका रिजल्ट मैं आपको शो करती हूँ, आप किस किस तरह से दे सकते हैं, उन कस्टमर्स के नेम चाहिए जिनके पास ना ही लोन है और ना ही अकाउंट है। सो सबसे पहले तो आप इसमें से कस्टमर नेम में के लिए आप कस्टमर टेबल का यूज करने वाले हो, क्योंकि सारे कस्टमर्स आपको कस्टमर टेबल में मिलेंगे, राइट। सो हमने क्या किया, यहाँ पर कस्टमर नेम यूज करेंगे, उनमें से माइनस क्या कर देंगे, किन कस्टमर्स के नेम माइनस कर देंगे जिनके पास ना ही लोन है और ना ही अकाउंट है, ये पूछा है आपसे। तो लोन किन के पास है, लोन बोरोवर टेबल से आपको कस्टमर्स नेम मिलेंगे, राइट। एंड दूसरी टेबल आप यूज करोगे डिपॉजिटर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों में से कस्टमर्स नेम सेलेक्ट कर ले, उनका यूनियन कर ले, और जो रिजल्ट मिले देन आप इस कस्टमर वाली टेबल में से इन दोनों के रिजल्ट को माइनस कर दे, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। तो हम इसके लिए क्वेरी किस तरह से लिखेंगे, आपको मैं शो कर देती हूँ, यहाँ पर आप क्वेरी लिख सकते हैं इस तरह से, पाई कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, इसमें से आपने माइनस कर दिया इन दोनों का यूनियन, डिपॉजिटर से कस्टमर नेम और बोरोवर से कस्टमर नेम कैलकुलेट करके, इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट करके आपने माइनस कर दिया किससे, कस्टमर वाली टेबल से। सो इट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ दिस डिजायर्ड क्वेरी, राइट। सो आई होप सेट बेस्ड ऑपरेटर्स आर क्लियर टू यू। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेटर। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो रिलेशन या फिर दो टेबल्स की अगर बात करें तो दो टेबल्स को एक कंबाइंड में
कंबाइन करने का काम करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? यानी कि दो टेबल्स के रिजल्ट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको उन दोनों टेबल्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा. सो वी कैन सी हियर कंबाइंस इन्फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट रिलेशन इनटू वन. इट इज द फंडामेंटल ऑपरेटर. हमने बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में कि हमारे दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. सो फंडामेंटल ऑपरेटर है कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक बाइनरी ऑपरेटर है. व्हाई दिस इज बाइनरी? बिकॉज इट यूजेस टू रिलेशंस, राइट? ये दो रिलेशंस का यूज करता है, दो रिलेशंस एज इनपुट लेता है एंड उनको कंबाइन करने का काम करता है. सो अगेन हम इसी अपने स्कीमा पर क्वेरी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट क्वेरी इज Find customer name having account balance less than 100, right? हमें उन customers का name find out करना है जिनका balance 100 से कम है. So we can see here कि हमें customers के name किस table से मिलने वाले हैं. हमें customers का name मिलेगा customer table से, right? So, but यहाँ पर क्या दिया है, having account balance less than 100. तो अगर account balance की बात करें तो वो किस table से मिल रहा है? इस account से, क्योंकि balance की बात करें तो balance इस account table से मिलेगा. Let's say मैं आपको इस different color से denote करती हूँ, this is account, right? और account से आपको balance का पता चलेगा. अब हम बात करें तो इसमें क्योंकि कस्टमर्स के नेम नहीं गिवन है, राइट? तो अकाउंट टेबल में कस्टमर का नेम कहाँ से हमें मिल रहा है? इस डिपॉजिटर टेबल से. सो दिस इज क्लियर कि हम इस डिपॉजिटर टेबल को तो हम लेने वाले हैं, राइट? हम डिपॉजिटर टेबल और इस अकाउंट टेबल का मर्ज करने वाले हैं, इनको कंबाइन एक सिंगल टेबल में बनाने वाले हैं, जिससे कि हमें दोनों टेबल्स का रिजल्ट कंबाइन होकर मिल जाए. सो अगर मुझे दो टेबल्स को आपस में कंबाइन करना है तो व्हाट आई विल यूज? आई विल यूज कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो हाउ आई विल राइट द क्वेरी? आई विल राइट इन दिस वे, आई विल राइट अकाउंट इनटू डिपॉजिटर, राइट? अकाउंट एंड देन आई विल यूज क्रॉस डिपॉजिटर बिकॉज आई एम कंबाइनिंग दीज टू टेबल्स. नाउ आपको इन दो टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है. अब हम बात करें कि आपको क्या चाहिए यहाँ पर एक कंडीशन इससे पहले, यानी कि आपके ये दो टेबल्स यूज होने वाले हैं, इतना क्लियर है. अब हमें देखना है कि इसके आगे हम क्या सिग्मा लगाएं या पाई लगाएं. तो हम यहाँ पर पहले एक चीज करते हैं. अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इन दो टेबल्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको एक पर्टिकुलर सिंटेक्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा. उसका रीजन बताती हूँ मैं. यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि आपको, लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ. लेट्स से मैंने इन दो टेबल्स को कंबाइन किया, अकाउंट और डिपॉजिटर की टेबल है एंड मैं इसे कंबाइन कर रही हूँ, राइट? क्योंकि मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है अकाउंट वाली टेबल का और डिपॉजिटर टेबल का. इतना तो हमें पता चल गया कि दो दो टेबल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. अब मुझे अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो इस एग्जाम्पल में आप लेट्स से कि हमारे पास अकाउंट में ये सारी वैल्यूज है और डिपॉजिटर में ये वैल्यूज है. अब क्योंकि इन दोनों में अकाउंट नंबर कॉमन है, राइट? तो अगर मैं मर्ज करूंगी तो इस अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग मर्ज करूंगी. हाउ एवर, राइट? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट को दूसरे सेट से मैप करना. सो सबसे पहले ये 1A50 वाली डिटेल X1 से मैप होगी, फिर Y2 से, फिर Y3 से. सो आई हैव रिटन 1A50 X1, 1A50 Y2, 1A50 Z3, राइट? सिमिलरली सिमिलर वे में 2B70 को मैंने X1, Y2, Z3 से मैप किया. सो आई हैव रिटन ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दो टेबल्स का आपको इस तरह से मिलने वाला है. अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, इस टेबल में कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स ही आपके यूजफुल होते हैं, बाकी जो टपल्स होते हैं, बाकी जो रिकॉर्ड आपको मिलता है उन्हें हम बोलते हैं सरप्लस, राइट? अब सरप्लस किस तरह से बोलते हैं, लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ, लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ कि अकाउंट नंबर 1 वाले का आपको कस्टमर नेम बताना है, राइट? तो आप इस टेबल में रिफर करोगे अकाउंट नंबर 1 और इस टेबल में रिफर करोगे अकाउंट नंबर 1. तो अकाउंट नंबर जिनका 1 है उसका कस्टमर नेम क्या हुआ? एक्स, राइट? और उसका ब्रांच नेम ए और 50 हो जाएगा, राइट? तो यानी कि हमारा सिर्फ ये जो फर्स्ट टपल हमें दिख रहा है यही यूजफुल है. और अगर हम बात करें 1A50Y2, ये हमारा एक सरप्लस टपल है जो हमें निकल कर आया है. इसको हम नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी हमारा सरप्लस टपल है और ये भी हमारा सरप्लस टपल है. अब अगर हम बात करें सेकेंड अकाउंट नंबर, जिनका अकाउंट नंबर 2 है, उन 2 अकाउंट नंबर का कस्टमर नेम क्या होगा? उसका नेम वाई होगा, राइट? और उसके ब्रांच नेम बी और 70 होगा. सो दिस वन टपल इज यूजफुल, 2B70Y2, right? This is useful and remaining are
रिमेनिंग आर सरप्लस टपल बोलते हैं या रिटेंडेंट टपल्स बोलते हैं. इन द सिमिलर वे अकाउंट नंबर 3 है इसका और इसका अकाउंट नंबर 3 है तो उसका कस्टमर नेम क्या होगा, उसका कस्टमर नेम जेड होगा. सो इफ यू सी हियर तो ये वाली रो हमारी यूजफुल होगी, बाकी ये 3 रोज हमारी ये सरप्लस रोज है या फिर रिटेंडेंट रोज है. तो स्टूडेंट मैंने बताया था आपको जैसे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे अकाउंट और डिपॉजिटर का, तो बट उसमें से हमें क्या वैल्यूज चाहिए आप एक सिंटेक्स लिखोगे, आप इसमें से सेलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको ये सारी वैल्यूज मिलने वाली हैं, जिसमें कि यूजफुल भी वैल्यूज होंगी और सरप्लस वैल्यूज भी होंगी, राइट, यानी कि रिडंडेंस वैल्यूज भी आपकी मिलने वाली हैं. तो हमें क्या करना है, रिडंडेंट वैल्यूज को इग्नोर करना है. तो उसके लिए हम एक सिंटेक्स लिखेंगे क्या कि हम उन रोज को सेलेक्ट करेंगे, राइट, वी विल सेलेक्ट ओनली दोज रोज. सो रोज सेलेक्ट करने के लिए हम सिग्मा लिखते हैं अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर, जहां पर डिपॉजिटर डॉट अकाउंट नंबर के बराबर हो, राइट. सो इस सिंटेक्स को लिखने से क्या होगा स्टूडेंट्स, इस सिंटेक्स को लिखने से आपके जो रिड्यूस हो जाएंगे जितने भी रिडंडेंट टपल्स है, राइट, क्योंकि ये क्या सेलेक्ट करेगा, ये इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट से, if we talk about this cartesian product account into depositor, तो इस पूरे cartesian product से ये उन rows को select कर लेगा जिनमें की account वाले में account number और depositor का account number जहां same है. so it will select, जैसे कि यहाँ पर बात करें ये account number 1 और 1 same है, ये row select हो जाएगी. यहाँ account number same है 2 and 2, ये row select हो जाएगी. and यहाँ account number same है 3 and 3, so ये row select हो जाएगी. so 3 rows यहाँ पर select होंगी. so इससे क्या होगा, इस syntax को लिखने से आपका रिड्यूस हो जाएगी रिडंडेंट टपल्स. सो अब हमसे कहा गया है कि हमें सेलेक्ट क्या करना है, इन 3 रोज को सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कस्टमर नेम, राइट, ये आपकी डिटेल सेलेक्ट जब हो जाएगी उसके बाद आपको कस्टमर नेम सेलेक्ट करना है. सो इसके आगे, इस पूरी क्वेरी के आगे आप पाई कस्टमर नेम फिल कर देंगे, राइट. सो यू विल राइट दिस फाइनल क्वेरी क्या हो जाएगी, पाई कस्टमर नेम, राइट, ब्रैकेट में सिग्मा अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू डिपॉजिटर डॉट अकाउंट नंबर, एंड सेकेंड कंडीशन इज बैलेंस आपसे लेस देन 100 बोला था, एंड लगाया बैलेंस लेस देन 100 और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया अकाउंट क्रॉस डिपॉजिटर. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द क्वेरी यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट. सो हम एक और क्वेरी का रिजल्ट यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स से आपको एक क्वेरी गिवन है, फाइंड अकाउंट नंबर विच आर इन दिल्ली, राइट. तो एक बार हम स्कीमा ऑब्जर्व करते हैं, स्कीमा के बेसिस पर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं पहले कि क्या हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी. सो दिस इज द स्कीमा, यहाँ पर हम देखें कि क्या हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है. तो हमारी क्वेरी थी, क्वेरी में आपको गिवन था फाइंड अकाउंट नंबर विच आर इन दिल्ली, राइट. सो अकाउंट नंबर हमें किस टेबल से मिलने वाला है, अकाउंट नंबर हमें इससे मिलने वाला है अकाउंट टेबल से, राइट, एंड विच आर इन दिल्ली. तो आपसे क्या पूछा हुआ है, ब्रांच नेम. सो आपको इतना पता चल गया कि आप ब्रांच नेम आपको कहाँ से मिलने वाला है, ब्रांच नेम आपको इस टेबल से मिलने वाला है. तो आपको इतना पता चल गया कि आपको ब्रांच और अकाउंट टेबल को कंबाइन करना होगा, राइट, क्योंकि आपको ब्रांच नेम दिल्ली चाहिए और वो वाले अकाउंट नंबर चाहिए. तो आपको इन दो टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होगा. अब इन दोनों टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद आप क्वेरी किस तरह से लिख सकते हैं, आई विल शो यू. वी हैव फर्स्ट रिटन branch into account because we are going to cross product the branch and account table. उसके अलावा आपको दिया है find the account number, right, which are in Delhi. So we will select only, क्योंकि इसमें बहुत सारे redundant tuples हो सकते हैं, so redundant tuples को remove करने के लिए you will write branch dot branch name equal to account dot branch name. यानी कि account और branch की जो branch name है वो same होनी चाहिए. And second condition is branch city क्या होनी चाहिए, Delhi, right. You will write this syntax and उसके बाद आपको चाहिए क्या, account number चाहिए. So we will use projection, right? Projection use करेंगे, projection of account number. So this is how you can give the result of this given query, right? Now, so students, I hope ये video lecture आपको clear होगा. And हमने यहाँ पर बात की cartesian product और set based operators की. So thank you so much students for watching this video.